जो भिक्षु हैं विद्वान भिक्षु, उन्होंने अपने अचगंध या उपदेश दिए। इस तरह से 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष में बनाए। और सम्राट अशोक के द्वारा ही, क्योंकि सम्राट अशोक ने इस विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक ने सभी को के लिए द्वार खोल दिए गए, धर्मशालाएं बनवाई और चिकित्सालय बनवाए, सबका बहुत बड़ा काम किया। और विदेशों में सम्राट अशोक के द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें श्रीलंका में हमारे जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य था, त्रिपिटक था, तीन पिटक कौन होते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, ये तो हमारे दो शुरू के पिटक थे, जिसमें माँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 3 महीने के अंदर राजगृह में सब पुनर्व गुफा में एक संगीत का आयोजन किया गया था, जिसमें 499 अरंतों ने भाग लिया था। और 500 अरंत होने थे, आनंद अरंत नहीं थे, तो आनंद को कहा गया कि आप अनंत प्राप्त करिएगा, आपके बगैर ये संपूर्ण नहीं हो सकती। तो आनंद ने अपना अनंत प्राप्त किया, और फिर ये 500 भिक्षुओं की समिति बनी जो अनंत थे। अनंत जो है 200 गाते हैं, बोधिसत्व और अनंत। अनंत जो है हमारे महायानियों का है ना, जो हीनयानी है, जो भगवान बुद्ध के उपदेश को उन्हीं को मानते, वो हीनयानी में आ जाते हैं। जो महायानी है, उन्होंने अपने उपदेश में कुछ परिवर्तन किया, वो महायानी आ जाते हैं, उनका बोधिसत्व है और वो अनंत है, बात दोनों की एक बराबरी है। तो इसे सम्राट अशोक ने जब अपने पुत्र महेंद्र महेंद्री को भी श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन भारतवर्ष में बौद्ध प्रचार जो प्रसार है 23 शताब्दी तक आके मुसलमानों के आक्रमण में वो लगभग खत्म हो चुका था। खत्म होने के लिए बाबा साहब, लंबी कहानी बताऊँ अभी, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने 1935 में तो ये घोषणा की थी कि मैं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और अंत में इतने दिनों तक उन्होंने उसका अध्ययन करते रहे, और 14 अक्टूबर 1956 को इसी अशोक विजयदशमी के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो यही वही विषय अशोक विजयदशमी है जो हमारे बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको इसी अवसर पर, हमारे बीच में विद्वान है आपके चौधरी जी, जो एक मतलब गायक के कवि हैं, वो आपको कुछ बताएंगे। महिला मंडली है एक तो हमारे पहलादपुर बांगर से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।